जय हिंद। सभी सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों का स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। सर्कुलर नंबर 430 क्या है, क्या इससे पेंशन रिवाइज होगी और पेंशन कैसे रिवाइज होगी और पेंशन में कितना बढ़ोतरी होगा, इसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद क्या आज से पहले कभी 50% DA DDR होने पर मर्ज किया गया था, इसके विषय में बताऊंगा। तो चलिए, वीडियो काफ़ी नॉलेजबल है, वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। चलते हैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन की तरफ। काफ़ी पेंशनर्स पूछते हैं कि सर्कुलर 430 क्या है, क्या इससे पेंशन रिवाइज होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले जितने भी पेंशन रिवाइज हुई है, जिसको एरियर मिला है, वो सर्कुलर 430 के आधार पर ही मिला है। ये सर्कुलर 430 10 मार्च 2010 का है और ये डायरेक्ट RBI को, बैंक को, POR को, DPDO को एड्रेस किया गया था। डायरेक्ट पेंशन डिस्पैचिंग एजेंसी को आदेश दिया गया था कि वो इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग आपकी पेंशन रिवाइज करे। लेकिन सही में इस सर्कुलर का क्या काम था? इसका काम आपकी पेंशन को ठीक करना, वो भी PBOR की, यानी कि 2006 से पहले जो आए हैं और जो 2006 के बाद हैं, उनकी पेंशन इन सर्कुलर के आधार पर इम्प्रूव करना। जैसे कि आपने सर्कुलर 568 भी देखा, तो इस सर्कुलर में आपकी कई पेंशन रिवाइज हुई, जैसे 1/1/1996 की 5th CPC की, फिर आपकी 1/1/2006 को पेंशन रिवाइज हुई, फिर आपकी 1/7/2009 को एक और पेंशन रिवाइज हुई, फिर 24/9/2012 को एक और पेंशन रिवाइज हुई। तो इतनी पेंशन आपकी रिवाइज हुई है इस सर्कुलर के हिसाब से। तो अगर आपको किसी चीज़ का एरियर लेना है, आपको 568 का एरियर लेना है, तो आपको 1/1/2006 को आपकी पेंशन पता करनी होगी, या आपका 1/1/2006 को पेंशन कितना था, फिर आपका 1/7/2009 को कितनी पेंशन था। तो ये सारी पेंशन सर्कुलर 430 में आपको मिलेगा। आप रैंक वाइज देख सकते हैं, उसमें आर्मी की अलग टेबल है, नेवी की अलग टेबल है और एयरफोर्स की अलग टेबल है, वो भी अलग अलग रैंक वाइज। तो इससे आपका पेंशन भी पता कर सकते हैं। तो फिर आपको सर्कुलर 568 का एरियर लेने में कोई परेशानी नहीं होगा। अगर आप इस सर्कुलर को सही से समझ जाते हैं, तो आजकल सर्कुलर की नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार PCDA CDA सर्कुलर तो निकाल देता है, लेकिन उन चीज़ों के बारे में कई बार CPPC को भी पता नहीं रहता है, बैंक को भी पता नहीं रहता है, तो इसलिए आपका कई बार एरियर छूट जाता है। आपने देखा होगा, आपको कई बार 568 का एरियर नहीं मिला, किसी को 631 का एरियर नहीं, 570 का नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? क्योंकि इन सर्कुलर को सही ढंग से CPPC बैंक तक पहुँचाया नहीं गया, उनके पास आया ही नहीं, और ऐसे पेंशनर परेशान होते हैं। तो इसलिए सर्कुलर की जानकारी रखना आप लोग के लिए जरूरी है। चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। क्या आज से पहले कभी 50% DA DDR होने पर मर्ज किया गया था? आपके लिए एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आपको बाकायदा लोकसभा के सवाल जवाब और साथ ही साथ पे कमीशन के रिपोर्ट भी दिखाकर ये समझाया था कि हाँ, मर्ज हो सकता है, मर्ज होने के चांसेस है, और हमारी सरकार से भी यही डिमांड है कि मर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन क्या आज से पहले कभी DA DDR 50% होने पर या 100% होने पर मर्ज हुआ था? आप ये जो सामने आंकड़े देख रहे हैं, जिसमें 1/1/1996 से लेकर 1/1/2008 तक के DA DDR के आंकड़े हैं। अब यहाँ पर आप गौर करें तो जनवरी 2004 में जो DA DDR था वो 61% हो चुका था, और इस DA DDR को 1/4/2004 में 50% को मर्ज कर दिया गया था बेसिक पे या बेसिक पेंशन में, और आगे DA DDR का रेट 11% से शुरू किया गया था। तो ऐसी संभावना है, क्योंकि बीच बीच में सरकार ने 6th पे कमीशन का रिकमेंडेशन न होने का हवाला दिया था, लेकिन 7th पे कमीशन में कहीं ना कहीं DA DDR को मर्ज करने को लेकर डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली रिकमेंडेशन है कि DA DDR को मर्ज करके बेसिक पे और बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की जाने चाहिए। ग्रांटेड तो नहीं है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बहुत सारी चांसेस बन रहे हैं, जैसे कि 7th CPC के हिसाब से। तो चलिए, जो मैं था आपको बता दिया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।